हे गाइस वेलकम बैक। सो आज मैं आपको ले जा रहा हूँ वेंगुर्ला के दो हिडन बीचेस, सागरेश्वर और अरावली। होपफुली आप मेरी पूरी कोंकण जर्नी को फॉलो कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं और आई बटन में भी पूरी कोंकण की प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सो देवबाग से निकल कर मैं जाऊँगा सागरेश्वर बीच। सागरेश्वर में मैं स्टे करने वाला हूँ और साथ ही विजिट करूँगा अरावली बीच और वेंगुर्ला लाइट हाउस भी। मैं सागरेश्वर को वेंगुर्ला का एक हिडन जेम बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे पहुँचना इतना आसान नहीं है, थोड़ा ऑफ रोडिंग करना पड़ेगा आपको। पर ये वेंगुर्ला पोर्ट है, पोर्ट के पीछे आप देख सकते हो लाइट हाउस भी है, आप पोर्ट और लाइट हाउस दोनों विजिट कर सकते हैं। अब इसके लेफ्ट साइड में देखेंगे तो दो पत्थर हैं जिन्हें मामा बाचा या मामा बांजा रॉक्स कहा जाता है। कहते हैं एक फिशरमैन थे मामा और बांजा, पर वो यहाँ पे डूब के मर गए, तब से इस रॉक का नाम मामा बांजा रॉक है। और ये है वेंगुर्ला लाइट हाउस, इसको 1800 में ब्रिटिशर्स ने बनाया था। कहते हैं जब इसको बनाया था तो इसके अपैरेटस ये इक्विपमेंट्स टाइम पे पहुँचे नहीं थे, इसलिए यहाँ पे लकड़ियों को जला के उसकी लाइट को यूज़ किया गया था लाइट हाउस में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीच के ऊपर एक रिवर भी आती है जिसका नाम है मांडवी रिवर, और वो रिवर को क्रॉस करने के लिए बहुत ही खूबसूरत सा ब्रिज बनाएगी। सो एक तरह का संगम पॉइंट भी है मांडवी रिवर और अरेबियन सी का। यहाँ पे सुबह और शाम के नज़ारे बहुत अच्छे हैं। ये सुबह का व्यू है और शाम को कुछ इस तरह का व्यू होता है। पर वहां से थोड़ा सा आगे है अरावली बीच, काफी सिक्लूडेड, इनफैक्ट सागरेश्वर बीच से भी कम लोग हैं यहाँ पे। वहाँ पे एटलीस्ट कुछ मछुआरे थे, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। एंड यहाँ पे किसी ने बहुत ही खूबसूरत शंभाजी महाराज की सैंड की स्कल्पचर बना रखी है। बीच भी काफ़ी खूबसूरत है और पानी काफ़ी शांत है, आप यहाँ पे आराम से आके चिल मार सकते हो, स्विम कर सकते हो। और तो थोड़े रॉक्स है पानी में, थोड़ा केयरफुल रहिए। यहाँ पे कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होती है जिसकी वजह से ये बीच बहुत साफ सुथरा है। यह है मोचेमाड क्रीक जो कि अरावली बीच और मोचेमाड बीच को सेपरेट करते हैं, प्लस ये दोनों बीचेस की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो, एंड प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन ऑन रखना। Thank you. Have a good day.